नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताऊंगी अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही के सामान्य नियम। पहला, यदि अनुशासनिक प्राधिकारी ने स्वयं जांच की हो अथवा यदि उसने स्वयं जांच ना करके जांच अधिकारी से कराई हो, प्रत्येक परिस्थिति में जांच की रिपोर्ट के सभी या किसी पहलू पर निर्णय लेते हुए यह निश्चय करेंगे कि उनके विचार से दी जाने वाली शास्ति उनके अधिकारी क्षेत्र में है या नहीं। आ, यदि दी जाने वाली शास्ति उनके अधिकारी क्षेत्र में है तो वे अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अगली कार्यवाही कर सकते हैं अथवा यदि उनके विचार में न्याय के हित में किसी गवाह का और आगे परीक्षण किया जाना आवश्यक हो तो वे उस गवाह को बुलाकर उसका परीक्षण, प्रति परीक्षण एवं पुनः परीक्षण कर सकते हैं और ऐसी सजा दे सकता है जो उनके अधिकारी क्षेत्र में हो। बा, यदि अनुशासनिक प्राधिकारी के विचार से दी जाने वाली उपयुक्त सजा उनके अधिकारी क्षेत्र से बाहर है तो वे जांच कार्यवाही के तब तक के समूचे कागजातों को सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी के पास भेजेंगे जिस पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी निर्णय लेंगे। दूसरा, यदि अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं जांच अधिकारी नहीं है एवं जांच रिपोर्ट से सहमत नहीं है तो वे चाहे तो कारणों का उल्लेख करके जांच अधिकारी के पास मामले पर पुनः और आगे विचार करने हेतु भेज सकते हैं जिस पर जांच अधिकारी नियम 9 के अनुसार जहां तक संभव हो सके वहां तक पुनः आगे जांच कर सकते हैं। तीसरा, यदि अनुशासनिक प्राधिकारी आरोप के किसी शीर्षक पर जांच अधिकारी के किसी निष्कर्ष से असहमत हो तो असहमति के कारणों का उल्लेख करते हुए आरोप के उस शीर्षक पर अपना निर्णय लिखेंगे बशर्ते ऐसा करने के लिए अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हो। चौथा, यदि अनुशासनिक प्राधिकारी आरोप के सभी या किसी शीर्षक पर जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर यह विचार करते हैं कि नियम 6 के क्लॉज 1 से 4 के अंतर्गत आने वाली कोई लघु शास्ति दी जानी चाहिए तो वे नियम 11 के प्रावधानों पर बिना ध्यान दिए हुए ऐसी सजा का आदेश पारित कर सकते हैं। नोट, प्रावधान यह है कि ऐसे हर एक मामले जिनमें संघ लोक सेवा आयोग की परामर्श लेनी आवश्यक हो को जांच प्रक्रिया के सभी कागजातों के साथ आयोग के पास उसकी परामर्श लेनी आवश्यक हो को जांच प्रक्रिया के सभी कागजातों के साथ आयोग के पास उसकी परामर्श के लिए भेजेंगे और कर्मचारी को कोई दंड देने से पूर्व उसकी परामर्श पर अवश्य विचार करेंगे। पांचवा, यदि अनुशासनिक प्राधिकारी आरोप के प्रत्येक या किसी एक शीर्षक पर दिए गए जांच निष्कर्ष और जांच के दौरान प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचता हो कि नियम 6 के क्लॉज 5 से 9 के अंतर्गत आने वाला कोई दंड दिया जाना चाहिए तो वे ऐसा कर सकते हैं जिसके आरोपित रेल सेवक को प्रस्तावित शास्ति के संबंध में सूचना देना अथवा प्रतिवेदन करने का अवसर
प्रदान करना आवश्यक नहीं होगा। पहला, बर्खास्तगी पदच्युति के दंड के मामले में अनुशासनिक अधिकारी को रेल सेवा पेंशन नियम 1993 के नियम 65 के अंतर्गत अनुकंपा भत्ता या ग्रेचुटी या दोनों के संबंध में भी निर्देश पारित करने चाहिए। दूसरा, निचले वेतनमान में दिए गए दंड के प्रभावी होने से पूर्व उच्च वेतनमान में पदोन्नति होने पर दंड पदोन्नति वाले पद पर उतनी ही अवधि के लिए लागू रहेगा जितना कि नीचे वेतनमान में दिया गया था। तीसरा, बड़ी शास्ती की अनुशासनिक कार्यवाही को पूरा करने के लिए 150 दिन की मॉडल समय अनुसूची निर्धारित की गई है। चौथा, संरक्षा संबंधी अनुशासनिक मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया RRE 36(3) में दी गई है। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं। और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।